हैव अ केक गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ जी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11 और आज है जयदीप हेमलता का 10th का बोर्ड का एग्जाम। तो हो गए हैं स्कूल, तो एग्जाम शुरू हो गया होगा उनका, 11 बज गया ऑलमोस्ट। तो वो आएंगे शाम को, और जब वो आएंगे तब देखेंगे क्या करना है। क्या करने का मेरा मतलब है कि आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दिए हैं, उसके लिए फिर से एक बार दिल से थैंक यू। ऐसे बस सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहो, व्लॉग्स को लाइक करते रहो, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबके साथ शेयर करते रहो, ऐसे प्यार दिखाते रहो अपना। तो अब मम्मी भी ऊपर हैं, हम भी ऊपर चलते हैं, क्योंकि नीचे मैं सिर्फ अकेला हूँ। जयदीप हेमलता स्कूल गए हैं, पापा काम पे गए हैं, दीपू भाई भी काम पे गए हैं, तो सभी शाम को ही आएंगे। तो शाम को देखते हैं कुछ करेंगे, तो अभी चलते हैं ऊपर। मम्मी आज फिर से है ना हेमलता के लिए चीज बना रही है। और क्यों बनावे? उपले उपले मम्मी बना रही है गोबर के उपले, क्योंकि ये फिर है ना बाद में काम आ जाते हैं घर पे, जब हम पूजा पाठ करते हैं ना तो काम आ जाते हैं। और जो पहले बनाए थे ना वो सूख गए हैं, ये रहे उसकी माला बनाएंगे, जो सूख गए उसकी माला बनाएंगे और हेमलता को पहनाएंगे। सभी छत पे कपड़े सूख रहे हैं। एक हाथ से त्रिकोण बनाना सिखाऊंगा। एक हाथ से कैसे बनते हैं सीख लो भैया। तो मैं सोच रहा था कि 100 सब्सक्राइबर्स पे केक कट कर ले, तो केक आ गया अपना। केक के काफी सारी वैरायटी आ गई है, कटलस भी आ गए हैं, डोनट्स भी आ गए हैं, केक तो है ही और समोसे भी हैं, और क्या कुछ है मम्मी, सब कुछ है। तो पार्टी तो होगी आज। जैसे कि मैंने कहा था कि जो 100वां सब्सक्राइबर होगा उसको गिवे में मिलेगा 1 किलो सेवियां, तो जो 100वां सब्सक्राइबर था वो था ज्वाला जी, भाई वो रहते हैं ज्वाला जी, वो समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब भी आप यहाँ पे आओगे ना तब आपका गिफ्ट रेडी है, तो ले जाना ठीक है। नीचे आगे फिर से, क्योंकि अब टाइम हो गया भाई खाना खाने का, खाना खाने का टाइम हो गया, खाना बना नहीं है पर बनाओ रखा। तो मैंने 10-15 दिन भी नहीं होएंगे, 10 दिन होएंगे, 10 दिन पहले YouTube शुरू किया था, 100 सब्सक्राइबर भी हो गए। थैंक यू आज के इस व्लॉग में तो मैं थैंक यू बोलता रहूंगा। जल्दी जल्दी और करवा दो सब्सक्राइबर, लाइक भी कर दो, सारी वीडियो लाइक कर दो, और वीडियो को पूरा देखा करो, थोड़ी थोड़ी मत देखा करो, बीच में से स्किप भी मत किया करो, पूरा वीडियो देखा करो। तो YouTube मैंने क्यों शुरू किया, YouTube मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरे राजस्थान में एक मामा जी हैं, उनका एक YouTube चैनल है, काफ़ी बड़ा YouTube चैनल है उनका, तो उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस में काम किया है। वो कॉमेडी कैटेगरीज की वीडियो बनाते हैं, तो उनकी वीडियो मैंने एक दो वीडियो में, दो तीन वीडियो में काम किया है। तो मुझे ना तब से शौक था कि मैं ऐसे कैमरा फेस करूँ, वीडियोस बनाऊँ, तो मैं फ्री हो गया था कुछ दिन पहले, तो मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल बना लिया जाए और ब्लॉगिंग कंटेंट चुना मैंने, तो अब अच्छा खासा चल रहा है। टाइम निकाल के डेली ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ मैं, डेली व्लॉग बना भी रहा हूँ मैं, और बन भी रहे हैं अच्छे खासे, और व्यूज भी ठीक ठाक आ ही रहे हैं। और ये रही मम्मी, इस मामे के लिए कॉफी और कॉफी ले ला मामा, कॉफी चला दी है ठीक है, तू ही दिख है। अब तो मैं बैक कैमरा कर रहा क्या, मैं ही दिख सो यार मम्मी, तू आप कमाल कर रहे। तो थैंक यू फिर से, थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहो। तो मेरे मामा जी का YouTube चैनल है ना, उसका लिंक मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उनका चैनल जाके जरूर देखो, बड़ा ही मस्त कंटेंट बनाते हैं, बहुत फनी कंटेंट बनाते हैं, और सारे करैक्टर, काफ़ी सारे करैक्टर हैं उनके चैनल पे, तो सभी बड़े फनी हैं, सभी बड़े अच्छे हैं, वाइब्स बड़ी अच्छी है उनकी। और मुझे नाम है, चैनल का नाम बता देता हूँ मैं, चैनल का नाम है कुछ मादी छोरा। तो ये चैनल, दो चैनल है, एक मेरे मामा जी का चैनल है और एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक बड़ा चैनल है, एक मेरे मामा जी का पर्सनल चैनल है।
तो मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, तो जाके देखो सभी वीडियो, बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं वो। और जिन वीडियो में मैंने काम किया है वो भी मैं उनके लिंक भी डाल दूंगा, तो वो भी जाके देख लेना और उनका चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मेरे ब्लॉग को लाइक भी कर देना। और फिर से थैंक यू सो मच। तो आज बनी है सब्जी आलू गोभी की। अगर आपने मेरे पीछे वाले ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे नहीं पसंद आलू गोभी। तो फिर से मैं ब्रेड लेके आऊँगा और सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच मैं कैसे बनाता हूँ आज मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया कि मैं कैसे बनाता हूँ। वो सब्जी का ही सैंडविच बना लेता होता हूँ मैं, और वो अच्छा बनता है, सब्जी अच्छी लगती। तो चलो ब्रेड लेके आते हैं। ब्रेड दियो एक 20 वाली। हाँ जी, तो ब्रेड मैं ले आया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा मेरी सीक्रेट रेसिपी सैंडविच बनाने की। बहुत ज़्यादा टेस्टी सैंडविच बनते हैं, और टेस्टी सैंडविच तभी बना पाओगे आप जब आप मेरा हर एक स्टेप फॉलो करोगे, डिक्टो एकदम। जो जो मैं करूँगा, जो जो मैं डालूंगा, वैसे ही आपको करना पड़ेगा, तभी सैंडविच बनेंगे टेस्टी वाले। तो सबसे पहले आपने लेनी है आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी नहीं है तो कोई भी सब्जी ले सकते हो जो भी आपके घर में बनी है। और उसके बाद आपको इसमें गिरना है प्याज, फिर गिरना है टमाटर, फिर गिरनी है लाल मिर्च, फिर गिरनी है हल्दी, फिर गिरना है नमक, और फिर गिरना है ये क्या है, ये कुछ भी है जो भी आपके घर में वो गिर दो, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेड है, इसको ब्रेड को गिर दो और ये बन गया सैंडविच। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ब्लॉग को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर करना। बेस्ट रेसिपी इन द वर्ल्ड है। और अगर ऐसे करोगे ना सेम डिटो, तभी अच्छे सैंडविच बनेंगे, नहीं तो नहीं बनने वाले। ऐसी मजाक कर रहा हूँ, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है। सैंडविच जैसे बनते हैं वैसे ही मैं बनाता हूँ, तो जैसे आप बनाना चाहते हो बना लो। सैंडविच हो गए अपने तैयार, तो आप खाते हैं और के खाओ पियो सो जाओ। खाओ पियो और सो जाओ। इधर चल रहा है शिनचैन और हम खा रहे हैं सैंडविच। मुझे समोसा तो नहीं बनना चाहिए। कैसा तो बनेगा? कुछ बहुत अरे अभी तो है। अच्छा बने। तो अभी मैं जा रहा हूँ जयदीप हेमलता के स्कूल में उनको लेने, क्योंकि एग्जाम के दिनों में वैन बंद हो गई है। तो सुबह छोड़ के पापा आए थे और लेने मैं जा रहा हूँ, तो बाइक पे चलते हैं, थोड़ी दूर है स्कूल उनका, तो चलो लेने चलते हैं उनको। आ गई हेमलता। पेपर क्या हुआ? मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मुंह दे, मुंह तो कौन लग गया तेरा? अच्छा है सच्ची? ठीक है, गरम सीट है वही आ गए। और के मेरा पेपर बढ़िया क्या है? तो दोनों जनों को घर पे मैं ले आया हूँ, और हेमलता कहती पेपर बड़ा आसान था, बढ़िया गया पेपर। मुझे तो नहीं हो रहा यकीन। मेरा टाइम खराब किया, मुझे पापा कहते कि 2 बजे वहाँ पे छुट्टी हो जाएगी, 2 बजे ले आइयो। ये आई है कोई 2:45, और इतनी देर में धूप में खड़ा रहा। विश्वास हो गया? विश्वास ही पेपर ले और सारा चेक भी कर लिया मैं। विश्वास हो रहा है? हेमलता कहती पेपर बड़ा सब बढ़िया गया, किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे मम्मी तो हो सके 2-3 दिन पढ़ाई बहुत करिए, 2 दिन पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, आखिरी के 2 दिन पढ़ाई की है, और कहती बहुत बढ़िया गया पेपर। हो सके कुछ भी हो सके। हाँ जी, तो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं शुभम भाई, आ रहे हैं घर पे, तो फिर उसके बाद हम बाहर चलते हैं और केक लेके आते हैं। केक क्यों लेके आ रहा हूँ वो तो आपको पता चल ही गया होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि 100 सब्सक्राइबर पे कौन केक कट करता है, 100 ही सब्सक्राइबर पे है, बट ऐसा नहीं है। 100 सब्सक्राइबर भी बहुत बड़ी बात है, बहुत जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवा दिया आपने, ऐसे सपोर्ट करते रहो। और फिर से थैंक यू सो मच दिल से। तो थोड़ी देर में आ जाएंगे भाई, उसके बाद चलते हैं केक लेने। तो भाई यार रास्ते में तो भाई के पास ही चलते हैं, आते हुए फिर केक भी ले आएंगे, तो चलो चलें।
हाँ जी, तो केक का ऑर्डर दे के आया हूँ अभी मैं, तो केक मिलेगा 6 बजे। 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा, अभी 4:15, 1-1.5 घंटे बाद मिलेगा केक। तो अभी केक बनने में तो टाइम लगेगा, तो पापा भी बाजार जा रहे हैं, तो मैं भी पापा के साथ थोड़ी देर बाजार जा जाता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो घर पे मैं आ गया हूँ और अब चलते हैं अपना केक लेने। हाँ जी, तो केक मैं ले आया हूँ, केक रेडी हो चुका है और केक मैंने रख दिया फ्रिज में, क्योंकि भाई गए हुए हैं अभी, दीपू भाई गए हुए हैं अभी ऑफिस में, तो वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर सब मिलकर केक कट करेंगे। और एक बार फिर से थैंक यू सो मच 100 सब्सक्राइबर करवाने के लिए। ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियोस को लाइक कर दो सभी को। ऐसे ही बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो अभी सभी लोग आ गए घर पे और अब कट करते हैं अपना केक। केक आ गया भाई, कंप्लीटेड सब्सक्राइबर से भाई दो फूल चल अंदर है। हैप्पी बर्थडे, बस 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 बस। दो साल बाद घर में केक कट रहा है, तो केक के बाद में सेलिब्रेशन भी होगी, केक भी कट गया, तो चलो केक कट करते हैं। चलो पापा देख लो, पापा 100 सब्सक्राइबर्स कट कर रहा हूँ मैं। पापा ने पोस्ट डाला भाई, पापा उसके जाम ही है। भाई कुछ क्या करना भी होता है भाई, क्या करना होता है, बोलना भी होता है कुछ। ठीक है, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। और कुछ क्या भाई, 100 सब्सक्राइबर को हैव अ केक गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू। लो भाई वीडियो बन रही है, लव यू। मैं तुम्हें भी हो गया ले, वो आप ही खा लो, मैं तो हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आज अप्रोक्सीमेटली 2 साल बाद हम घर पे केक काट रहे हैं, क्योंकि हम घर पे ज़्यादा जैसे बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते हम, क्योंकि हम जैसे विलेज से बिलोंग करते हैं ना, तो वहाँ पे इतना कुछ होता नहीं है। तो आज 2 साल बाद केक कट किया हमने, केक भी कट कर लिया, सेलिब्रेशन भी होगी 100 सब्सक्राइबर की, और काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी बातचीत भी की आज, और काफ़ी अच्छा दिन था आज मेरे लिए, क्योंकि आज 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मेरे। तो ऐसे ही आप बस सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो, बहुत जल्दी इससे भी बड़ा अमाउंट है जो सब्सक्राइबर्स का, वो हम कंप्लीट करेंगे आपके सपोर्ट और प्यार से। फिर से एक बार थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए जो आप मुझे दे रहे हो, और बस ऐसे ही बनाए रखो ये प्यार, ये सपोर्ट। तो आज का ये व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Give me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me feel lighter. You whip up my appetite, don't leave me alive.